ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओबीसी आरक्षण के लिए पूर्व की कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया, वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इसके लिए शिवराज सरकार को घेरा। विधानसभा में हंगामे के चलते किसी भी विधेयक पर चर्चा नहीं हुई। सदन न चलने और जनता के मुद्दों पर चर्चा न होने को लेकर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के लिए अधिवक्ता तक खड़े नहीं किए। कोर्ट में स्टे कमलनाथ के चलते आया। चार दिन चलने वाली विधानसभा डेढ़ दिन में ही खत्म हो गई। आरक्षण के मुद्दे को लेकर 27% आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा स्थगित हुई, हंगामा भी हुआ। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस विधानसभा में विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है और इसलिए हंगामा करना उनका काम है। श्रद्धांजलि जो होती है, विधायक जो हमारे वर्तमान विधायक, भूतपूर्व विधायक और सांसद और समाज सेवियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, विधानसभा परंपरा रही है कि उसमें दूसरी कोई बात नहीं की जाती। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सीनियर लीडर है कांग्रेस के, 8 बार सांसद रहे हैं, 9 बार, उसके बाद में भी उन्होंने श्रद्धांजलि में भी राजनीति की और इसलिए हंगामा किया। और कांग्रेस नहीं चाहती विधानसभा चले, जनता के मुद्दे हैं। कांग्रेस बोलती है ओबीसी आरक्षण की विरोधी है भाजपा। मेरे ये कांग्रेस के कहने से नहीं हो जाते। कांग्रेस पहले अपने गिरेमान में झांके। मैं कांग्रेस के नेताओं से, कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि 55-60 साल तुम सत्ता में रहे, प्रदेश और केंद्र में, ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को आपने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया। मध्य प्रदेश में तुमने 8 मार्च 2019 को 27% आरक्षण की बात करी और 2 दिन बाद स्टे भी लगवा दिया। कोर्ट में 19 तारीख तक बहस चली 19 मार्च को, लेकिन एडवोकेट जनरल तक खड़े नहीं हुए। इससे समझ जाएं कि कांग्रेस क्या चाहती थी। ये सिर्फ 27% आरक्षण सिर्फ नौटंकी थी वोट प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्टे होने के बाद 1 साल तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कुछ नहीं किया। शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनते से ही, भाजपा की सरकार आते से ही, हमने एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल खड़े किए और अभी भी हम पूरे तर्क और आंकड़ों के साथ विषय रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को लाकर हम कर रहे हैं। और हम पूरे 27% आरक्षण दिलाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। महंगाई को लेकर भी हंगामा हुआ, नहीं कोई हंगामा नहीं, इनके हंगामे से कुछ नहीं होना, जनता हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल जी, जिनका साफ कहना है कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है भाजपा सरकार। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यन शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल लगातार सदन के अंदर करीब 45 मिनट तक सरकार का विरोध करते रहे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए और सदन में मुद्दों पर चर्चा नहीं होने को लेकर भी सरकार को दोषी ठहराया। मानसून सत्र 4 दिन का था, 1.5 दिन में खत्म हो गया। हंगामा हुआ कई बार। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद है, आपने देखा हमने 46 मिनट लगभग सदन में चिल्लाते रहे ओबीसी आरक्षण को लेकर, महंगाई को लेकर। देखिए, बहुत बड़ा विषय है। हमारी सरकार ने 27% ओबीसी का आरक्षण लागू किया था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैरवी नहीं करने की वजह से, सरकार की गलत बयान देने की वजह से, जो वहाँ पे बयान सरकार की तरफ से दिया और जिस उसकी वजह से वो बढ़ा हुआ आरक्षण पे रोक लग गई। तो और एक तरफ बोलते हैं शिवराज सिंह जी कि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि आरक्षण लागू। अरे, आपकी 16 साल सरकार थी, आपने कब पैरवी किया? हमारी तो दिग्विजय सिंह जी ने भी पहले लागू किया था और लागू करने के बाद आपने अच्छे से पैरवी नहीं की, वो रिवर्ट हो गया। फिर आपने कभी कोशिश नहीं की और फिर हमने जब भाजपा तो आरोप लगाती है कि कमलनाथ जी के टाइम पे स्टे लिया गया ओबीसी आरक्षण। नहीं, कोई स्टे नहीं हुआ है कमलनाथ जी की सरकार के टाइम में। बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं। हम तो बोल रहे थे ना, सदन में चर्चा कराओ ना। ये क्या सरकार सदन में चर्चा हो ही नहीं पाई, हंगामा इतना ज्यादा। वो चाहते ही नहीं है कि चर्चा, हम लोग हंगामा विपक्ष कर रहा था। विपक्ष क्या, हमने 139 के अधीन दिया था चर्चा कराने के लिए, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव सब लगाए थे, उनको देना चाहिए। तो उन्होंने तो स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण लिया नहीं, इसलिए नाराजगी थी। जनता के मुद्दे तो उठ ही नहीं पाते संसद में। अगर सरकार चाहती कि उठाना है तो 15 दिन का कम से कम सत्र आहूत करती। तो सरकार खुद ही नहीं चाहती कि सदन में चर्चा हो, जनता के मुद्दे उठे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन विषयों पे चर्चा हो। 4 दिन का सत्र 1.5 दिन नहीं चल पाया, 17 दिन कैसे चला? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सरकार की लापरवाही है। वो चाहते नहीं कि सदन चले। सदन को ये लोग लगातार गुमराह करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और सच को छुपाना चाहते हैं। लोगों की परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस का क्या अगला स्टेप रहेगा? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेके अगर हमारी सरकार ने लागू किया है
तो इसको हम लोग लेके रहेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे और पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक मंत्री हैं उनके बीच में भी जाएंगे, बताएंगे कि इनसे पूछिए कि आपने सदन में मुँह क्यों नहीं खोला, या क्या ओबीसी से जो भी आते हैं बड़ी बड़ी बातें करने से होता है, या जनरल कैटेगरी के भी जो हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या ओबीसी का आपको वोट नहीं चाहिए, क्या एससी एसटी का वोट नहीं चाहिए, तो उनके साथ कुठाराघात कर रहे। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अभी सीमित कर दिया है कि जो जितने परसेंट का उस वर्ग को आरक्षण है वो उतना ही वर्ग उसको लाभ मिलेगा, उतने परसेंट ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो। ये कहाँ का न्याय है? दिग्विजय सिंह की बात की थी आपने, दिग्विजय सिंह के टाइम में 27% आरक्षण को लागू किया गया था, उसके बाद आपने बताया कि नहीं, उसके बाद तो दिग्विजय सिंह जी के बाद तो हमारी अच्छी से पैरवी नहीं की गई, तो शिवराज सिंह जी ने नहीं किया पैरवी, सरकार ने नहीं किया। अपने लिए तो मानहानि का मुकदमा में 10 लाख का वकील खड़ा किए, पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू करने के लिए तो वकील ही अच्छे से नहीं खड़ा किया, ये चाहते नहीं थे, इनकी मनसा स्पष्ट नहीं थी। तो शिवराज सरकार का तो बोलना है सॉलिसिटर जनरल खड़ा कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, उसके बाद ही ये 27% आरक्षण को लागू किया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है ओबीसी वर्ग को। सच बात तो ये है कि सिर्फ ये जताना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, देना चाहते इनकी मनसा स्पष्ट होती तो 16 साल से सरकार में पैरवी करते। हमने जो लागू किया, हमारी सरकार ने जो लागू किया, उस पर रोक लगाने का इन्हीं के लोग जाते हैं कोर्ट में, पहले भी इन्हीं के लोग गए थे। जांच होनी चाहिए कि जो जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है वो किस पार्टी से जुड़े हैं, आरएसएस के हैं या किस वर्ग के लोग हैं, किससे जुड़े हुए हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर शिवराज सिंह जी ओबीसी के हिमायती हैं तो इसकी इनको जाँच करानी चाहिए, और जो उनने बयान दिया है गलत जिसकी वजह से ये रोक लग गई है, पुनरावलोकन के लिए वहाँ पे लगाना चाहिए और अपने बयान को, सरकार के बयान को पलटना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी। जी, कांग्रेस हो या बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सब ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, 27% आरक्षण लागू करने के पक्ष में है। भाजपा कह रही है कि हम ओबीसी हितैषी हैं, कांग्रेस कह रही है हम ओबीसी हितैषी हैं, भाजपा कह रही है हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है, पर देखना ये होगा कि जनता इसको किस तरह लेती है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।